गंजी चुड़ैल कांता की चोटी भाग दो। पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह चुड़ैल कांता के खूबसूरत बालों पर मोहित हो गई और आखिरकार जब कांता के बाल हमेशा के लिए गिर गए और वह गंजी हो गई, तो चुड़ैल ने उसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही नकली चोटी को भी छीन लिया। कांता बिना बालों के बड़ी दुखी रहती थी। हर समय अपने बालों को वापस पाने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचती रहती थी। एक बार उसकी दादी, जो कि हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गई थी, 14 सालों के बाद वापस आ गईं। इस समय दादी की उम्र 126 साल थी, लेकिन फिर भी उनका पूरा शरीर बच्चे की तरह स्वस्थ और ताकतवर था तथा उनके बाल आज भी काले थे। उनके लंबे लहराते बाल देखकर कांता उदास हो गई और दादी से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगी। अपनी लाडली कांता को इस तरह रोते हुए देखकर दादी बोली, क्यों रे कांता, ऐसा भी क्या हो गया जो तू इस तरह रो रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या दामाद जी ने तुझे कोई कष्ट दिया है? हाँ, हमें समझ में आ रहा है, तेरा सिर देखकर सब समझ रही हूँ मैं। क्या यह दामाद जी के कारण हुआ है? अगर ऐसा है तो तुरंत मुझे बता, मैं तेरी समस्या का उपाय ढूंढती हूँ। कांता रोते हुए बोली, नहीं दादी, मेरी समस्या का कोई उपाय नहीं हो सकता। आप तो जानती हैं मैं अपने बालों को कितना प्यार करती थी। मेरे लंबे काले लहराते हुए बालों को देखकर एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई और आखिरकार उसने हमेशा के लिए मुझे गंजा बना दिया। दादी, जब बिना बालों का अपना चेहरा आईने में देखती हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है। और यह कहकर वह फिर रोने लगी। दादी बोली, देख कांता, हिम्मत हार के रोने वाले हमेशा ऐसे ही रह जाते हैं। अगर तू जिंदगी में कुछ पाना चाहती है ना, तो तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। चल, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ जिससे तेरे बाल हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे और उस चुड़ैल को भी अच्छी सीख मिलेगी। मुझे बता तो, हुआ क्या? कांता बोली, दादी, चुड़ैल द्वारा मेरी दवाई में तेल मिला देने के कारण मेरे सर की बाल निकलने वाली सभी जड़ें पूरी तरह से जल गईं और अब मुझे कभी बाल नहीं आ सकते। इसलिए आपके दामाद ने बड़ी मेहनत से मेरे लिए असली बालों की एक चोटी खरीदी, लेकिन वह नालायक चुड़ैल वह भी मुझसे लेकर चली गई और मुझे अब अपना जीवन बिना बालों के ही गुजारना पड़ रहा है। मैं किसी भी तरह से अपनी चोटी वापस पाना चाहती हूँ। और यह कहकर कांता दादी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। दादी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे रोना बंद कर, जरा यह तो बता ये चुड़ैल रहती कहाँ है? कांता ने कहा, दादी, वह पीपल के पेड़ पर रहती है और हमेशा मेरी नकली चोटी उसके सिर पर लहराती रहती है और मैं बिना चोटी की गंजी सबके सामने घूमती हूँ और सब मेरा मजाक बनाते हैं। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। कांता की दादी ने कहा, चल चल चुप हो जा, अब मैं तुझे उपाय बताती हूँ। कल हम दोनों ही पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे। मैं अपना चेहरा छुपाकर चलूंगी और अपने बाल खोलकर, और तुम ऐसे ही चलना। जब चुड़ैल मेरे बाल देखकर तुमसे पूछेगी कि यह कौन है, तो तुम कह देना कि तुमने अपने घर में बालों की देवी को बुलाया है, बाकी मैं संभाल लूंगी। अगले दिन कांता ने ऐसा ही किया एवं वह अपनी दादी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चली गई। दादी ने अपना मुंह छुपा लिया और अपने बालों को खोलकर खड़ी हो गई। उसके खूबसूरत बालों को देखकर चुड़ैल मोहित हो गई और जब उसने देखा कि कांता भी वहां पर है, तो वह सामने प्रकट होकर बोली, अरे कांता, ये कौन है और उनके बाल इतने सुंदर कैसे हैं?
कांता ने दादी के बताए अनुसार कहा, यह तो मेरी बालों की देवी हैं। जब मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो यह बड़ी ही प्रसन्न हुई हैं और तुम्हें बालों का आशीर्वाद देने आई हैं। चुड़ैल बोली, तुमने इन्हें बालों के बारे में क्या बताया है? कांता बोली, मेरी कठिन तपस्या के बाद देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने उन्हें कहा कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली है जो पीपल के पेड़ पर रहती है। आजकल वह मेरी नकली चोटी इस्तेमाल करती है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने समान ही असली बाल दे दीजिए। अब माता से एक ही वर मांगना था, इसलिए मैंने वह वर तुम्हारे बारे में मांग लिया। माता तुम्हें बाल उगाने की एक बहुत अच्छी दवाई देंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी नकली चोटी मुझे वापस देनी होगी। चुड़ैल को तो सिर्फ बालों से मतलब था। उसने तुरंत ही वह चोटी कांता को वापस कर दी और कांता अपनी चोटी लेकर घर चली गई। कांता की दादी वहीं पर बैठ गई और चुड़ैल से बोली, अच्छा तो तुम ही हो कांता की सहेली, तुम्हें बाल चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। अगर तुम उस उपाय को रोज करोगी तो तुम्हारे बाल जरूर आएंगे। कांता की दादी ने कहा, तुम्हें रोज अपने सिर पर एक साबुत अंडा रखना होगा और उसके बाद उस अंडे पर अपना सिर रखकर उल्टे खड़े होना होगा। अगर रोज तुम सिर्फ 5 मिनट यह कर लेती हो तो 15 दिनों में ही तुम्हारे बहुत लंबे बाल आ जाएंगे। और यह कहकर वह वहां से चली गई। चुड़ैल को तो बड़ा ही मजा आ गया, इतना छोटा सा उपाय, इससे मेरे बाल आ जाएंगे। उसने तुरंत ही एक अंडा उठाया और जैसे ही उस पर सिर रखकर खड़े होने की कोशिश की, अंडा टूट गया। उसने फिर दूसरा अंडा लिया, फिर कोशिश की, फिर अंडा टूट गया। इस कोशिश में चुड़ैल ने करीब 25 अंडों का नाश कर दिया और फिर वह निराश हो गई। कांता की दादी ने नारियल के जूट को कोयले में रंगकर एक लंबी सी चोटी बनाई और छत पर बैठकर चुड़ैल का इंतजार करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि अंडे पर खड़े न हो पाने के कारण वह जरूर यहाँ पर बालों के लिए वापस आएगी। और यही हुआ। थोड़ी देर में ही चुड़ैल कांता की छत पर आ गई और जब उसने बालों को लहराती हुई दादी को वहां बैठे देखा तो बोली, अरे बालों की देवी, मैं तो आपसे ही मिलने आ रही थी। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन मैं एक बार भी अंडे के ऊपर खड़ी नहीं हो पाई। आप मुझ पर दया करिए और मुझे कोई दूसरा उपाय बता दीजिए। कांता की दादी ने झूठ मूठ मंत्र पढ़ने की एक्टिंग करी और अपनी साड़ी में छुपाई हुई जूट की बड़ी सी चोटी निकाल कर चुड़ैल को दे दी और कहा, तुम इसे अपने सिर पर लगा लो, तुम कोई साधारण औरत नहीं हो। अब सुनो, तुम्हें साधारण औरत के बाल नहीं लगाने चाहिए। यह देखो, तुम्हारे लिए मैंने मजबूत बालों की चोटी बनवाई है। तुम इसे अपने सिर से चिपकाकर आराम से रहो। इसको लगाने के बाद तुम्हें फिर कभी बालों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, तुम जब चाहो अपने सिर की चोटी उतारकर इस पर सवारी कर सकती हो। यह झाड़ू का काम भी करेगी। बुद्धिहीन चुड़ैल बालों के मोह में यह भी न समझ सकी कि उसे बुद्धू बनाया जा रहा है और आराम से उस चोटी को अपने सिर पर रखकर वहां से चली गई। इसके बाद में वापस वह कांता को परेशान करने कभी नहीं आई, बल्कि लोगों ने उसे कई बार अपने सिर पर जूट की चोटी लगाए घूमते देखा। कई बार वह अपनी चोटी पर बैठकर इधर उधर उड़ती भी नजर आ जाती। इतना ही नहीं, कई बार वह अपनी चोटी से ही सफाई करती हुई भी नजर आई। चुड़ैल खुशी से सबको बताती, यह चोटी मुझे खुद बालों की देवी ने दी है। देखो, एक ही चमत्कारी चोटी मेरे कितने काम कर देती है। मैं भला इंसानों की चोटी क्यों लूं?
मैं तो अपूर्व सुंदरी हूँ, मुझे बालों की माता ने खुद यह बात बताई है। और अपने आप पर इतराती हुई जूट की चोटी लेकर अपना जीवन बिताने लगी और सब उसे देख देख कर हंसते। उसके पूछने पर हर जना उससे यही कहता, तुम्हारी चोटी जैसी किसी की चोटी नहीं, तुम तो सच में कमाल की हो। नकली चोटी मिल जाने के कारण कांता खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी और फिर उसके बाद उसे किसी ने बिना बालों के नहीं देखा।